कहाँ चले गए? ट्रेन का टाइम हो गया, कब तैयारी करो? भैया तैयारी मैं सारी करके गया था, थोड़ा टाइम था, मैंने सोचा भाग के जरा दोस्तों से मिल लूं। भैया भैया चलो चलो, माँ बुला रही है। हाँ चलो चल। चलो ना। क्यों भैया, दोस्तों का बहाना करके मिलाए अपनी गंगा से? अरे कहाँ मिल सका, अभी तक नदी पर उसका इंतजार कर रहा था। तूने उसको मेरा संदेशा दे दिया था ना? संदेशा कैसे देती, वो तो मुझे मिली नहीं। क्या, तो तूने मुझे कहा क्यों नहीं? वो ना तो मैंने चमेली को भेजा था। चमेली क्यों? क्यों चमेली? तूने गंगा को छोटे भैया का संदेशा पहुंचाया कि नहीं? हम क्या करें बाबू, उसको ढूंढ ढूंढ कर हमारी फूल जैसी जान हलकान हो गई। अरे आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल, थोड़ा जोर से बोलना। ऊंचे बोला था तो कहा था नीचे बोल। जरा बीच में बोल। अपने बापू के साथ सांप पकड़ने गई है। छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार, जल्दी चलिए, रानी मैं इंतजार कर रही है पूजा के लिए। प्यारी चमेली, चमेली, अरे चमेली, अरे क्या है मुंह से तो फूट। चमेली कब तक रहोगी अकेली, भला ये तो बताओ आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? हम का जानी। देख ये देखो, ये वो फूल है जो मजनू ने अपनी लैला को दिया था। अरे लैला के बच्चे, उस मूर्ति पे क्या हाथ मारता है? इधर देख क्या बल खाता बदन है। ये लो। नहीं तू ले। ये लो ना। तू ले, तू ले। कहाँ रखूं? आशिक सच्चा हो तो उसका फूल कभी नहीं मुरझाता। सदा भवानी दाहिनी सिद्ध करें गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। माँ जरा जल्दी कीजिए, किरण को अब चलना चाहिए। चल बेटी। भैया कहते हैं बॉम्बे शहर बहुत बड़ा है, वहाँ जाके हमें भूल ना जाना, हर रोज एक खत लिखना है। रोज खत लिखेगा तो समझ लीजिए पढ़ाई हो चुकी। तुम चिंता ना करो माँ, मैं तुम्हें वहाँ से रोज खत लिखा करूंगा और तुम्हें भी रोज याद करूंगा। माँ ट्रेन का वक्त हो गया, आप लोग तैयार हो जाइए। चलो बेटे। छोटे भैया जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ भी नहीं आई, लेकिन हाँ उसने तुम्हारे लिए कुछ संदेशा भेजा है। क्या? तुम्हें गंगा के हाथ के लड्डू बहुत पसंद है ना? मुझे ये नहीं चाहिए, खुद तो नहीं लड्डू भेज दिए। ठीक है हम खा लेंगे। जीने जीने कोई जरूरत नहीं है। उठवा ना, मैंने खाया अभी आया। जी छोटे सरकार। ये ले। इसे क्या करूं? अरे उल्लू के पट्टे इसको अंदर दे। छुपा के। किरण वहाँ क्या कर रहे हो? आ जा। हाय भैया कमरिया हमार। लड्डू कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, रोज खाने को जी चाहता है। रोज आओगे तो रोज मिलेंगे। हाँ? हाँ। छोड़ो छोटे को। छोटे को, छोटे को, छोटे को, गंगा, छोटे को, गंगा, तुम चलिए पे क्यों नहीं आई? मैं वहां तुम्हारा इंतजार करता रहा। वहां
आगे क्या करती? इतनी भीड़ में तुमसे बात भी नहीं कर सकती थी। हाँ, लेकिन मेरी आंखें तो तरस रह गई। लो, अब मैं आ गई। छोटे को रोज एक लड्डू खाना। हाँ हाँ खाऊंगा। लौटोगे कब? छुट्टियों में। मेरा इंतजार करोगी ना? चलो चलो सर, मगर जल्दी आना। हाँ, सुना शहर की लड़कियाँ बड़ी गोरी गोरी खूबसूरत होती है। हाँ, तुम तो फोंदू हो। मुझे तुम जैसी काली कलूटी पसंद है। छोटे कुंवर, यहाँ तुम्हारे बिना सब सुना सुना लगेगा। मेरा भी दिल नहीं लगेगा गंगा। गणेश भैया राम राम कह रहे हैं। गणेश भैया जल्दी से राम राम करो ना। चलो ए। ये क्या किया छोटे कुंवर? हमने तो बार बार तुम्हारे गले में डाल दी। सोच के कह रहे हो? हम भाग रहे गंगा, दोबारा करते हैं उसे निभाते हैं। झूठी मुंह है सही, कम से कम साथ वाले को पूछ तो लेते।
आखिर तुम्हारे जागीर की हूँ। ये लड्डू तुम्हारे खाने के नहीं है। क्यों, बड़े पवित्र है? हाँ। तो मंदिर का प्रसाद होगा, लेकिन भगवान ने तो ये कहीं नहीं कहा कि एक नाचने वाली तवायफ उनका प्रसाद नहीं खा सकती। और जब भगवान हमसे नफरत नहीं करते तो आप क्यों करते हैं? मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मगर मगर ये कोई और बात है। ये लड्डू सिर्फ मेरे खाने के लिए है। तो फिर उसे गंगा का पेरन ले दिए होंगे। बम्बई? अरे वाह, तब तो खूब साथ रहेगा। मैं भी बम्बई जा रही हूँ। क्या करने जा रही हो? पढ़ने। और तुम? दरअसल मेरी तरक्की हो गई है। बम्बई का कोई सेठ यहाँ मेरा मुजरा देख गया था, कहने लगा इश्क हो गया है। 2000 रुपए महीने पे मुझे बम्बई बुलाया है, इश्क करेगा। मगर तुम तो इश्क को मानती नहीं। पैसे को तो मानती हूँ, और फिर इश्क तो वो करेगा ना। मतलब तुम झूठे इश्क का नाटक करोगी? मर्द इश्क का नाटक कर सकते हैं, तो औरत क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें मर्दों के इश्क पर बिल्कुल यकीन नहीं? नहीं, मर्द इश्क कर ही नहीं सकते। मगर वो... हाँ हाँ, तुम यही कहना चाहते हो ना कि मेरी तरफ देखो, मैं गंगा से इश्क करता हूँ, उसके लिए दुनिया से बगावत कर सकता हूँ, सारी जिंदगी उसी का होके रहूंगा। बेशक। छोटे कुए, ये दावे गांव में बैठकर कर रहे हो, जहाँ गंगा से अच्छी कोई लड़की नहीं। लेकिन जब बम्बई से वापस लौटोगे, उस दिन भी यही बात कहोगे, तब मानूंगी। मैं तब भी यही कहूँगा। देख लेंगे। बम्बई तो आने दो। जी मैं बैठ सकता हूँ? आओ बैठो। आओ आओ मेरी जान, आओ। नए आए हो? जी। तो नंगी तस्वीरें देखो? नहीं। Yes? क्या चाहिए? जी कुछ नहीं। तो फिर खड़े क्यों हो गए? जी आप क्लास में आए, इसलिए आपकी इज्जत के लिए खड़ा हो गया। नए आए हो? जी हाँ। कहाँ से? जी कांगड़ा कॉलेज से, इंटर साइंस किया है। Quiet. क्या वहां प्रोफेसर के आने पर स्टूडेंट्स उनकी इज्जत के लिए खड़े हो जाते हैं? यस सर। ये जानकर खुशी हुई कि हिंदुस्तान के किसी कोने में आज भी गुरु की इज्जत होती है। अभी तक इस देश के बहुत से हिस्से बैकवर्ड है सर, इल्म की रोशनी धीरे धीरे पहुंचेगी। फिर कोई नहीं खड़ा होगा सर, आप घबराइए मत। क्वाइट, यू सिट डाउन प्लीज। प्रोफेसर, क्या तेरा बाप लगता था जो उसके आने पर खड़ा हो गया? बाप के आने पर खड़ा होना क्यों जरूरी है? बाप क्या भगवान है? What's going on? ये क्लासरूम है, गप रूम नहीं। सर एक गप रूम खुलवा दीजिए, फिर ना हम आपको डिस्टर्ब करेंगे ना आप हमें। जिन्हें गप लड़ानी है वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। तो आप अपना लेक्चर दीजिए और महीने की तनख्वाह सीधी कीजिए। आपको कौन रोकता है मेरी सरकार? तुम क्लास से बाहर चले जाओ। कौन सर? तुम। नो सर, ये अकेले नहीं, हम सब जाएंगे। यस, जो लोग क्लास में डिसिप्लिन नहीं रह सकते वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। ये आप डिसिप्लिन सर, दोस्तों प्रोफेसर की एटीट्यूड के खिलाफ हम सब प्रोटेस्ट करेंगे, सारी क्लास बाहर करेंगे। नहीं, सारी क्लास बाहर नहीं जाएगी, जिन लोगों को नहीं पढ़ना है वो बाहर जा सकते हैं। देखो शशिकांत, तुम स्टूडेंट की एकता को तोड़ रहे हो। नहीं, तुम स्टूडेंट्स को बदनाम कर रहे हो, तुम अपना करियर खराब कर रहे हो। बहुत हो चुका, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अल्ताफ हुसैन, प्रोफेसरों की चमचागिरी अच्छी नहीं। ठीक है, जो लोग हमारा साथ देना चाहते हैं वो सब हमारे साथ चलें। क्यों, तुम्हें हमारा साथ नहीं देना? पहाड़ी ऊंट
मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, बदतमीजी के लिए नहीं, समझे? देख बे, जबरदस्ती नहीं चलेगी, समझे? शशिकांत, पढ़ने लिखने के बाद जो तुम्हें लड्डू मिलेंगे ना, खुद खा लेना। Come on friends, let's go. Thank you professor. Now let's start. अरे यार, वो प्रोफेसर बड़ा अकड़ने लगा है। हाँ यार, अब इसकी तबीयत साफ करनी पड़ेगी। अरे यार, इसमें उस प्रोफेसर बेचारे का क्या कुछ है? अरे वो कांगड़े का बंगलू है ना, उसी ने सब बंटा ढार किया हुआ है। उस बिजली के खंबे का फ्यूज उड़ा दे। किस बात पर? इसी बात पर आज रात को स्टूडेंट की अदालत में उस लंबू की लगी मुझे। बोलो मंजूर। मंजूर। बेचो किरण, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त। किस बात की? तुम्हें देखकर ये उम्मीद होती है कि अभी देश को हम विद्यार्थियों से मायूस नहीं होना चाहिए। अब भी तुम जैसे नौजवान हैं, जो बड़ों की इज्जत, अपने धर्म और अपने फर्ज की बातें करते हुए शर्माते नहीं। शर्म की क्या बात है, शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए। दोस्त, इन्हीं विचारों पर कायम रहना तो हम तुम्हारे साथ हैं। एनीवे, बस चुप लग। मेरा नाम शशिकांत है। किरण। मेरा नाम अल्ताफ। किरण। और मेरा नाम देशपांडे। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, मैं जाता हूँ। बाय। यार, गिर जाएगा। भैया, आज फिर रुपए मांग रहे हो? आज तुझे ट्यूशन के पैसे मिले होंगे ना? परसों ही तो 15 रुपए दिए थे, कहाँ गए वो? जेब कट गई। सच्ची? झूठ बोलते हो। तेरी कसम में झूठ। ठीक है, छोटी बहन की कसम खाते हो इसीलिए ये लो। गिरजा, लेगा सारे पैसे, कर गया पर्स खाली। उसको जरूरत थी। पढ़ाई करती हो, ट्यूशन करके पैसा जमा करती हो, और वो बड़ा भाई होके छोटी बहन के पैसे मार के जुए में हार जाता है। भैया कहते हैं उन्होंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। जी हाँ, छोड़ा होता तो 4 साल से फेल ना होता। गिरजा, तुम्हारा यही रवैया रहा तो उसे कभी चेतना नहीं जाती। ये क्या नाम है? आप लोग अपने आप को क्या समझते हैं? ये स्टूडेंट की अदालत है, यहाँ अदब से खड़े रहो, समझे? ऑर्डर, 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 मुल्जिम के जुर्म बयान किए जाए। मिलोर, ये वो मुल्जिम है जिसने कॉलेज में आते ही नई नस्ल के नए उसूलों पर जोरदार हमला किया है। जरा गौर कीजिए, आज जबकि हम हर रिवायत और हर परंपरा को मिटा देने का फैसला कर चुके हैं, और ये उन्हीं रिवाजों का झंडा उठाए कॉलेज में दाखिल होता है, भगवान और खुदा जैसी अनसाइंटिफिक चीजों पर विश्वास रखता है, बड़ों की इज्जत करता है, आज के जमाने में धर्म कर्म की बातें करता है। मिलाड, इसका सबसे बड़ा जुर्म तो अभी सामने आया ही नहीं। वो क्या? मुल्जिम गंगा नाम की लड़की से मोहब्बत करता है। और हुजूर, सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करता बल्कि उससे शादी भी करना चाहता है, यानी जख्म लगाकर उस पर नमक भी छिड़कना चाहता है। मिलोर्ड, ऑर्डर, ऑर्डर, क्या ये सच है? हाँ सच है। मिलोर्ड, मैं औरत होने के नाते अदालत से अपील करती हूँ कि बेचारी गंगा को इस गुलामी से बचाया जाए जिसे शादी कहते हैं। वाह वाह, काजी जी दुबले हो गए शहर के अंदेशे में। गंगा से मैं मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे शादी करना चाहती है। आपको बीच में क्या कष्ट हो रहा है? कष्ट नहीं बल्कि हमारा अधिकार है, क्योंकि नई नस्ल ने शादी की रस्म को खत्म करने का फैसला कर लिया है। समाजी मानस के दुश्मन है, नए पन के नाम पर नौजवान को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हजूर, इस नादान मुल्जिम को मेरे हवाले कर दीजिए, 2 दिन में पुराने रंग धोकर नए रंग में रंग दूंगी, पूरी तरह चेंज कर दूंगी। वेरी गुड आइडिया, मुल्जिम रागनी के हवाले किया जाए, अदालत का ये हुक्म है। ओके योहनर। मेरे स्कूल में कोई बैठा? मैं किसी लड़की के साथ नहीं बैठूंगा। ए बुद्धो, ऐसा मौका बड़ी तकदीर वाले को मिलता है। अरे काहे को लड़कों की बेइज्जती करवाते हो ठाकुर, बैठ जाओ ना। अबे ठाकुरों के लड़की से डरता है, बैठ गया। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तो फिर बैठो मेरे स्कूटर में मेरे साथ, घबराओ नहीं, मेरे पास कोई हथियार हथियार नहीं है। बैठो। Thank you.
ये कहाँ ले जा रही हो? डार्लिंग ये शॉर्टकट है। ओफो, मच्छर ने काट लिया, जरा मसल दो प्लीज। ए किरण, तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मेरे बदन में सनसनी हो रही है, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए हैं। रियली? नाउ गेट डाउन, नीचे उतरो। तो तुम्हें गंगा से सच्ची मोहब्बत है? हाँ। झूठ? नहीं, ये सच है। अगर ये सच होता तो मेरे बदन पे हाथ फेरने से तुम्हारे रोंगटे खड़े ना होते। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, पराया बदन छूने से कुछ तो असर होगा। करेक्ट, यही तुम्हारा पहला लेसन है, पराया बदन छूने से बदन जलता है, समझे? क्या होती है मोहब्बत और क्या सच्चाई? हाय मोहब्बत, हाय जवानी, 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 हाय मोहब्बत, हाय मोहब्बत, हाय जवानी, हाय मोहब्बत, हाय जवानी, हाय मोहब्बत, हाय जवानी, हाय मोहब्बत, हाय जवानी। रावणी की फतह की खुशी में जश्न आम हो जाए, जान किरण के नाम हो जाए। मैंने पीता। अरे ठाकरों का शराब से डरते हो? अरे कोई जबरदस्ती है क्या? पी लो जाले, गंगा के नाम पर पी लो। मोहब्बत का देवता औदा हो गया। ये शराब की तोहिन है, इसकी इसे सजा मिलनी चाहिए। तो इसके कपड़े उतार के इसे तालाब में फेंक दो। मेरे कपड़े दे दो, मेरे कपड़े दे दो ना ठाकुर, कपड़े हॉस्टल में मिलेंगे। मछली पकड़ के लाओ ठाकुर। मैं क्या करूँगा? अरे मैं तुमको बाद में बताऊंगा, पहले यहां से चलो, जल्दी चलो। कौन है वो लोग? अरे आ गए, आ गए। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, जल्दी चलते हैं। तो ये सब इस साल के नए स्टूडेंट्स की तस्वीरें हैं? जी सबकी नहीं, सिर्फ उनकी तस्वीरें हैं जो हमारे काम के हैं। जाहिर है, यहां हम हर स्टूडेंट को बिगाड़ नहीं सकते। हमें तो उन नौजवानों की जरूरत है जिनके माँ बाप बहुत ही अमीर हो, ताकि हम उन्हें औरत और नशे की चाट लगाकर दौलत बटोर सके, या फिर उनको फांसो जो किसी मिनिस्टर या सरकारी अफसर की औलाद हो, ताकि वक्त आने पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाए। गुड। हाँ कुलजीत, उस लड़की का क्या हुआ जिसकी तस्वीर तुमने दिखलाई थी? माल अच्छा था, क्या नाम है उसका? गिरजा। सर वो गरीब तो है लेकिन कैरेक्टर की बहुत ऊंची है। मैंने गिरजा के भाई वीके को अपना दोस्त बना लिया है और उसको नशे की आदत भी डाल दी है। एक बार वो नशे का पूरा गुलाम हो जाए फिर देखिए कैसे आती है उसकी बहन।
तो आखिर एक शहर वाली ने तुम्हें सबक पढ़ा ही दिया कि मोहब्बत वहब्बत इश्क विश्क सब बकवास है, जो कुछ है शरीर ही शरीर है। पढ़ाया नहीं, पढ़ाने की कोशिश की। तो तुम्हें अभी भी ये वहम है कि तुम उनका सबक नहीं पढ़ोगे। छोटे कुंवर, जब तूफान आते हैं तो बड़े से बड़े जहाज डूब जाते हैं। मैं जहाज नहीं हूँ, एक पत्थर की चट्टान हूँ जो ना डोल सकती है ना डूब सकती है। मगर टूट तो सकती है। छोड़ इस बहस को, सवाल तो ये उठता है कि मैं तुम्हें पहनने को क्या दूं। ये लो, इसे तैमक की तरह बांध लो और इसे ओढ़ लो। वैसे शराब तो तुमने चख ली है, थोड़ी और पियोगे? नहीं। कोई बात नहीं, आगे धीरे धीरे बढ़ती। अरे वाह, क्या समंदर का नजारा है। ये फ्लैट तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारा सेठ काफी मालदार मालूम होता है। हाँ, शहर का बहुत बड़ा स्मगलर है। यहाँ पर उसके एक बहुत बड़े नाइट क्लब भी है। देखा, मैंने ठीक ही कहा था ना कि उसने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया है कि मैं उसके क्लब में नाचूं और कुछ मुर्गे बताऊं। लो, बाप का बुलावा आ गया, तुम पियो, तब तक मैं आती हूँ। सुनो, मुझे थोड़ी देर भी हो सकती है। आओ मालती, आओ, सिट डाउन, सिट डाउन। हम तो अभी शिकार को फांसने का प्लान बना रहे थे कि तुम शिकार को फांस के घर ही ले आई। मान गए, तुम्हारी जवानी रिकॉर्ड तोड़ जवानी है। मगर ये तो बताओ, तुम्हारे हाथ लगा कैसे? अरे बस, इस डफल डोल से तो पुरानी जान पहचान है, हमारे इलाके के जागीरदार है। बात तो जब है कि उसे तुम शीशे में उतार लो और फिर नींबू की तरह निचोड़ कर फेंक दो। मालती का छोड़ा हुआ तीर कभी खाली नहीं जाता। इस पर भी वही फॉर्मूला आजमाओ जो हम हर नए शिकार पे आजमाते हैं। पहले शराब, फिर चरस, फिर LSD, फिर लाल गोली, सफेद गोली, नीली गोली। करेक्ट। तुम उस बेवकूफ को औरत का चस्का लगा दो, बाकी का काम कुलजीत संभालेगा। क्या कहा बॉस है? हमारे बॉस को तुम्हारे ऊपर बहुत तरस आ रहा है। तरस? मुझ पर? किस बात का? गांव से आए हो, अकेले हो, उदास हो जाओगे, इसलिए हमारे बॉस ने हुक्म दिया है कि तुम्हारा दिल बहलाया जाए। काहे सर? खिलौनों से। लो ये माल देखो। अरे छोड़ो शर्म को, आओ धंधे की बात करें। ये देखो, और इसके होंठ, हाय हाय, क्या गुलाब जामुन की तरह रसीले हैं। ऐसा लगता जैसे कसाई बकरे का गोश्त बेच रहा है। हम कसाई नहीं छोटे कुंवर, हम तो इंसानियत परस्त हैं, जिंदा इंसानों का गोश्त बेचते हैं। और फिर छोटे कुंवर, और अगर उसमें थोड़ी सी मोहब्बत की गर्मी आ जाए तो मजा दुबाला हो जाता है। जिस मोहब्बत का तो मजाक उड़ा रही हो, तुमने वो मोहब्बत देखी भी है? असल जिंदगी में तो मोहब्बत किसी ने देखी ही नहीं। मैंने देखी है। तो जरा सुने तुम्हारी मोहब्बत की कहानी। तुम सुन के क्या करोगे, तुम्हें तो मोहब्बत पर यकीन ही नहीं। हाँ, यकीन तो नहीं, लेकिन जाने क्यों मोहब्बत की कहानी सुनने को दिल करता है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मोहब्बत करने वाले कैसी बातें करते हैं, कैसे हो जाती है ये मोहब्बत? अच्छा, तो तुम उसे बचपन से जानते हो? बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारी पहली मुलाकात कब हुई? वो एक निकली निकली सुबह थी, मैं अपने घोड़े पर सवार शिकार पे जा रहा था। Thank you.
ये पंछी दुकान आ रही है। जख्मी हो गया है, नदी पे ले जा रहे हैं जख्म धोने। हाँ मगर ये मेरा पंछी है। तुम्हारा? तुम्हारा कैसे हो गया? ये मेरी गोली से गिरा है, इस पर मेरा हक है। ओ, तुम्हारी गोली लगी, तुम्हारा हो गया। हाँ तुम्हारी गोली लगने से पहले किसका था? किसी का भी नहीं, भगवान का जीव था। तो इसे गोली मारने से पहले भगवान जी से पूछा था? हाँ बोलो, क्यों गोली मारे इसको? क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत था। तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो, अगर तुम किसी को अच्छे लगो तो कोई तुम्हें भी गोली मार दे। हाँ देखो, अब ज्यादा शास्त्र बखान मत करो, हम ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, शिकार खेलना बहादुर की शान है। इससे पहले कितने शिकार किए? बहुत। तो बहुतों की जान ले चुके हो? हाँ। उनमें से किसी एक की जान वापस दे सकते हो? जान कौन वापस दे सकता है? तो जो चीज दे नहीं सकते उसे लेने का तुम्हें क्या अधिकार है? हाँ और जो ये बहादुरी किसान जता रहे हो ना, आज तक जितने शिकार किए हैं ना, जाके उनके मुर्दों से पूछना कि वो तुम्हें बहादुर या कायर हत्यारा समझते हैं। हाँ और ये भी सोचना कि अगर उनके हाथ में बंदूक होती तो कौन किसका शिकार करता। हाँ ओ गंगा बिटिया, आई बाबा आई। मैं दूर तक उस लड़की को जाते हुए देखता रहा जो अपनी मासूमियत में इतनी बड़ी बात कह गई थी। उस रात मैं सो न सका, उसी की बातें मेरे कानों में गूंजती रही, गूंजती रही। और जो ये बहादुरी किसान जता रहे हो ना, आज तक जितने शिकार किए हैं ना, जाके उनके मुर्दों से पूछना कि वो तुम्हें बहादुर या कायर हत्यारा समझते हैं। हाँ। दूसरे दिन राखी थी, क्या बात है भैया, कुछ खोए खोए नजर आ रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये ले। तुम लोग को बाजा सुना दिया। हाँ अभी दूध पियो, चलो। अरे अरे कहाँ भाग रहा है? चल इधर आ, चल चल यहाँ बैठ। अरे कहाँ है? अरे अरे ए तू कहाँ चला? ओ गणेश भैया कहाँ आओ, चलो यहाँ बैठो। गणेश बाबा, गणेश अंदर तुम्हारे पास है क्या? अंदर तो है नहीं बिटिया, यहीं कहीं बदमाश छुपा होगा, खैर मैं उसे ढूंढता हूँ। मुझे मालूम है वो क्यों छुप गया है। क्यों? आज राखी का दिन है ना, बहन को कुछ देना पड़ेगा इसलिए वो कहीं छुप गया है। हाँ अरे ओहो यहाँ बैठो। हाँ ऐसे ऐसे बैठो, चलो बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, हिलना नहीं। हाँ ठहरो, गोली मत चलाना। मेरे घर में आके मेरे भाई भी गोली चलाना चाहते हो? हत्यारे, ये जहरीला नाथ तुम्हारा भाई है? कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? बाबा यही वो बहादुर शिकारी है जिसने कल उस बेचारे पंछी को गोली मारी थी। हाँ तो फिर आज यहाँ क्या लेने आए हो? अपना शिकार लेने आया होगा। ए अगर उसको हाथ लगाया ना तो इसी नाक से कटवा दूंगी। हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे ये कहने आया हूँ कि कल जो तुमने मुझे उपदेश दिया है उनका मुझ पर यह असर हुआ है कि मैंने कसम खा ली है कि अब किसी जानदार पे गोली नहीं चलाऊंगा। देख लो बंदूक खाली है, तुम्हें अपना गुरु मानकर इसे मैं तुम्हारे कदमों में रखने आया हूं। मैं तुम्हारे सामने अपनी हार मानता हूं। नहीं अब मैं तुमको क्या बोलूं? गंगा बिटिया तू वो सब क्या कह रही थी? ये तो बहुत अच्छा आदमी है। उठो बेटा, देखो घर मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ मिठाई ले आओ, कुछ दूध ले आओ। दूध? मैं दूध खाली है, मैं दूध लाती हूँ, तुम बैठ जाओ।
बैठ जाओ, बैठ जाओ। बिटिया तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जा जल्दी से कुछ ला। उठो बेटा उठो, यहाँ नहीं उधर खटिया पर बैठो। अरे ये बेचारे तो भूखे ही रह गए। चलो आ जाओ आ जाओ। शाबाश, सब एक साथ देखो। गणेश भैया तुम क्या देख रहे हो? चलो दूध पिए। तेरा भला हो जाए। बाबा गणेश को भी दूध पिला। चलो गणेश दूध पियो। अरे पगली, इसका मुंह जूठा करने से पहले इसे राखी तो बांध दे। हाँ, मैं तो भूल ही गई। चलो गणेश तुम्हें राखी बांध दे। ऐसे छुप छुप बैठे ना तो। चलो यहाँ बैठो। हाँ। गणेश भैया। हाँ अभी टीका लगा। देखो बदमाशी नहीं। हाँ देखो ऐसे। अच्छा बेटा बैठ जाओ। अब गणेश भैया राखी बंधवाई दो। ले बेटा अब ये रुपया अपनी बहन को दे। ये वाह, जानवर और इंसान का रिश्ता, क्या खूब रिश्ता है। जो मन से मान लिया जाए वही रिश्ता सच्चा होता है बाबूजी। और फिर जानवर और इंसान में आत्मा तो एक ही होती है ना। हाँ, जिसके अंदर इतना जहर भरा हो उसे बच्चे की तरह तुम्हारे साथ खेलता देखकर एक बात समझ में आई। क्या? किसी को सचमुच जीतना हो तो बंदूक के जोर से नहीं, प्यार के जोर से जीता जा सकता है। एक और तरीका भी। क्या? कुछ लोग अपनी हार मान के भी ना, हाँ, दूसरों को जीत लेते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ तुम्हें देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? बस तुम्हें देख रहा था। मंदिर में क्या कर रहे थे? प्रार्थना। कुछ मांगा? क्या? तुम्हें। सच? सच। छोड़ो बेशरम कहेंगे। लो प्रसाद खाओ। हाँ। हाँ, पूजा की कटोरी है, झूठी करोगे क्या? चलो मुख खोलो। ओह छोटे कुंवर, तुम्हें पानी भी पीना नहीं आता। तो फिर क्या हुआ? फिर एक दिन अचानक मोहब्बत की दुनिया में तूफान आ गया। तुम्हारे वो नाग देवता का मंदिर कहाँ है? वो जो मेरा घर देख रहे हो ना, उसी के पीछे जंगल में। तुम्हारे नाग देवता कुछ कहेंगे तो नहीं? अगर तुम अच्छे आदमी हो तो नाग देवता तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हें मैं कैसा लगता, अच्छा या बुरा बताओ? तुम बहुत अच्छे लगते हो। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी सजा है। मेरी गंगा बिटिया निर्दोष है, पवित्र है, इसे इतनी बड़ी सजा न दीजिए। दया कीजिए, दया कीजिए। गंगा, बंसी और भैरव ने तुझे गैर मर्द की बाहों में देखा है, बोल ये सच है कि नहीं? ये पाप तूने किया है या नहीं? ये सच है मगर पाप नहीं है। जिसको मन से देवता मान लिया जाए उसके चरणों में अपने आप को अर्पण कर देना क्या पाप है? ये पाप है कि नहीं इसका फैसला नाग देवता करेंगे, और उनका फैसला जानने के लिए तुझे अग्नि परीक्षा देनी होगी।
अगर नाग देवता को तेरा प्यास स्वीकार हुआ तो जलती हुई आग में नाग नृत्य करके तू जिंदा बाहर निकल आएगी, नहीं तो इसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। ये सब नहीं हो सकता, मेरी एक ही तो बेटी है और उसे भी आप सब आग में जला देना चाहते हैं। भगीरथ, अगर तुम अग्नि परीक्षा नहीं दे सकते तो तुम्हें बिरादरी से निकलना। अरे पंचों का यही फैसला है तो फिर मुझे बिरादरी से निकलना मंजूर है, मगर मैं अपनी बेटी की जान नहीं गवा सकता, मैं अपनी बेटी की जान नहीं दे सकता। मैं अग्नि परीक्षा दूंगी बाबा, न मैं अपने प्यार को धोखा दे सकती हूँ, न अपने कुल को कलंक लगा सकती हूँ। मैं इस अग्नि परीक्षा में जीत गई या मर गई, हर हाल में तुम्हारा सर ऊंचा रहेगा बाबा, तुम्हारा सर ऊंचा रहेगा। मगर क्यों? शपेरों की बरादरी का यही रिवाज है कि सिर्फ उसी अपनी जान से बाहर प्यार और शादी का हक है जो जलती आग में कूदकर जिंदा निकले। आप किसी तरह से बचा लीजिए सरकार, वरना वो आपका नाम लेती हुई मर जाएगी। नहीं, बड़ा जहरीला नशा होता है। देखो ना, उस जैसी औरत के आंख में भी पानी आ गया। छोटे खोए, तुम उन खुशकिस्मत लोगों में से हो जिन्हें प्यार की एक पवित्र किरण छू गई है। ये तुम्हारी बदनसीबी है या गंगा की, तुम शहर आ गए पढ़ने के। अच्छा, तो मोहब्बत की कहानी सुनकर एक बेवफा का दिल भर आया, गोया फूल की चोट से खंजर टूट गया। हाँ बॉस, उसकी सादगी और सच्चाई देखकर उसे धोखा देने को जी नहीं चाहा। बहन राधा, बड़ा अजीब शहर है बॉम्बे, चारों तरफ सागर है और सारा नगर जैसे इस सागर की लहरों पर तैरता रहता है। हाय राम, जिसे तैरना ना आए वो तो सागर में टूट जाए। हाँ? अरे चुप ना, आगे सुन। यहाँ कहीं शांति नहीं, चारों तरफ एक तूफान है जिसमे यहाँ आने वाला हर इंसान एक न एक दिन डूब जाता है, कोई नहीं बच सकता। मैंने भी बहुत कोशिश की मगर आज दोस्तों ने जबरदस्ती शराब का पहला घूंट पिला दिया, मगर इस नशे में भी मुझे गंगा दिखाई देती है जो इस तूफान में अपने प्यार का नन्ना सा दीपक जलाए मजबूती से खड़ी थी। गंगा से कहना वो इस दीपक को बुझने ना दे, वरना मैं इस तूफान में डूब जाऊंगा। क्या आज भी कुंवर की चिट्ठी नहीं आई बेटी? चिट्ठी तो आई है बाबा। तो फिर इतना परेशान क्यों है बाबा?
उन्होंने लिखा है, गंगा एक तूफान आने वाला है, अपने प्यार का दीपक बुझने ना देना। हाँ अब तुम ही बता पापा, इतने बड़े तूफान में एक नन्हा सा दीपक कैसे जलता रहेगा? हाँ अरे पगली, प्यार का दीपक कहीं तूफानों से बुझता है। I hope you like the disco, sir. Yes, it's wonderful. सर ये कमरा खास आपके लिए बनवाया है। Good, very good. यहाँ पर आपके आराम का हर बंदोबस्त है। It's wonderful. I like it. Come in, sir. Sit down. Thank you. सर आपके प्लानिंग के मुताबिक आपने जो रुपया भेजा था उसका सही सही इस्तेमाल किया है। लुक, रुपयों की कोई परवाह नहीं, सिर्फ एक ही शर्त है कि हिंदुस्तान के नौजवानों को नशे और सेक्स के समुद्र में गर्क कर दिया जाए। Yeah.
क्या हुआ? सर में दर्द है यार, ऐसा लगता है ये लहरें मेरे सर में फट रही हैं। मैं तुम्हारे दर्द की दवा ले आया हूं। क्या ये? तुम्हारे दर्द का इलाज। इससे सर का दर्द ठीक हो जाता है? इससे सर का दर्द, दिल का दर्द, रूह का दर्द, हर दर्द का इलाज ये लाल गोली। इसे खा के तो देख, चख के तो देख, देख इसकी तरफ। मुझे अपनी पाप की दुनिया में और मत खसीटो कुलजीत। पागल मत बन खालिद, बीड़ू इससे पाप पुण्य हो जाते हैं। खा के तो देख, खा के तो देख बीड़ू, इसको खाने के बाद ये दुनिया टेक्निक कलर दिखाई देती है। खा 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 खा, एक और खा बीड़ू, एक और खा। हाँ खा, खाले खाले खाले, अब तुम्हारे सब दर्द ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे सब दर्द ठीक हो जाएंगे, सब तुम्हारे दर्द ठीक हो जाएंगे। जो कहते हैं करने को कुछ काम नहीं, मैं उनसे सहमत नहीं। कुछ करने की लगन चाहिए, कुछ काम का भीड़ उठाइए। फिर इतना काम है कि आपको दूसरी बात के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। अरे फुर्सत ही फुर्सत है इस देश के नौजवानों के पास, उनके लिए काम कहाँ है, नौकरी कहाँ है? सिर्फ नौकरी ही काम नहीं होता, तो फिर और काम कहाँ है? आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ काम कहाँ है। आज अकाल और सूखा के मारे लोगों के काफिले हमारे शहर में चले आ रहे हैं। उनके पास सर छुपाने को ठिकाना नहीं, खाने को दाना नहीं। उन सिसकते और दम तोड़ते लोगों की सेवा आज सबसे बड़ा काम है। ठीक या गलत, अगर हमने हड़ताल कर ही ली है तो खाली वक्त को नाइट क्लबों, चरस पार्टियों और जुए खानों में बिताने के बजाय आओ अपने भूखे बिलकते शरणार्थी भाइयों के लिए घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करें, अनाज जमा करें, कपड़े जमा करें। हम लोग एक वॉलंटियर कोर बनाकर चंदा इकट्ठा करेंगे और उन शरणार्थियों की सहायता करेंगे। बीमारों के लिए फ्री दवाखाने खोले जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी हम लड़कियों पर होगी। जो लड़के या लड़कियां इस काम में हमारा साथ देना चाहें वो अपना नाम अल्ताफ भाई और गिरजा के पास लिखवा सकते हैं। सबसे पहले मेरा नाम लिखो। गिरजा मेरा नाम लिख लीजिए। इस काम में मैं भी साथ दूंगा। मेरा नाम भी लिख लो। अरे छोड़ यार, तुम क्या जाओगे, अपना काम नहीं है। नहीं वीके, मुझे जाने दे, मैं जाऊंगा। चरस पी के लिटरी करेगा। मैं आ गया। यू आर मोस्ट वेलकम अल्ताफ। ये आपको किरण कुमार का नाम लिखो। क्या हुआ किरण? अल्ताफ मैं अभी आता हूँ, मुझे जरा दवाई लेनी है। कहाँ जा रहे हो? दवा लेने। ये दवा नहीं, जहर है। सिर्फ आज लूंगा। जितना लोगे तलब उतनी बढ़ेगी। सिर्फ आज लूंगा, कल से बंद कर दूंगा, कल से बंद कर दूंगा। वो कल तब तक नहीं आएगा जब तक ये जहर तुम्हारी जिंदगी को खोखला ना कर दे। लौटाओ किरण। अच्छा शिकंद भाई, आज मुझे माफ कर दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। सिर्फ आज लूंगा, कल से नहीं लूंगा। मैं अभी आता हूँ। हाँ अभी आता हूँ। Thank you.
निकल कर मदद करेंगे। चंदा दीजिए, कपड़े दीजिए, पैसे दीजिए। खून अकाल पीड़ित भाइयों का ख्याल कीजिए, जिनका सब कुछ निकल चुका है। आइए आइए आइयो, अपने देश के उन गरीबों का ख्याल कीजिए जिनका अकाल में सब कुछ निकल चुका है। गुड इवनिंग सर। क्या है? अब किरण इस स्टेज पर आ गया सर कि नीली गोली से भी उसका कुछ नहीं होता, उसे आखिरी सीढ़ी पर चढ़ा दें। बिल्कुल बिल्कुल, आज से उसे हेरोइन के इंजेक्शन पर लगा दो। सर मेरे ख्याल से जिस रफ्तार से उसका जिस्म नशे की मांग कर रहा है, वो जिंदगी का मजा 6-7 महीने से ज्यादा नहीं ले सकता। फिर क्या होगा? लूला हो जाएगा या अंधा हो जाएगा, और एक दिन कीड़े की तरह रेंगता हुआ मर जाएगा। और हमारा धर्म कहता है कि वो मरे उससे पहले हम उसका पूरा फायदा उठा लें। मुझे नशा दो, मुझे नशा दो। दरवाजा खोल दो। मुझे नशा दो, मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा दो, मुझे नशा दो, मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा। जाओ और इसकी प्यासी जवानी को इंजेक्शन का पानी पिला दो, कम से कम 1000 रुपया लेना। ओके सर। देखो गौर से देखो, ये वही चट्टान है ना जिसकी मजबूती के तुम राग अलापती थी, आज वही मजबूत चट्टान औरत और नशे की आग से मोम की तरह पिघल चुकी है। इसे कहते हैं वक्त की ठोकर मारती, वक्त की ठोकर। ये मुझे कहा लिया कुलजीत ठाकुर, ये वो जगह है जहाँ धरती का इंसान स्वर्ग का राजा बन जाता है, और ये उस राजे का तख्त है। बैठो ठाकुर। मुझे राजा मत बना यार, गोली दे। तेरी तरक्की कर दी गई है, आज से तुझे इंजेक्शन मिलेगा। इंजेक्शन? हाँ इंजेक्शन। ये देख। हाय मालती बेबी। छोटी कुंवर, ये किन रास्तों में भटक गए? क्या थे और क्या हो गए? अरे वही जो तुम जैसी औरतें चाहती हैं। नहीं, मैंने तुम्हारी बर्बादी की नहीं, हमेशा तुम्हारी बुलंदी की तमन्ना की है। छोटे कुंवर, मुझे बहुत नाज था गंगा के सच्चे प्यार में डूबी हुई तुम्हारी मासूम जिंदगी पर। नाज नहीं, तुम्हें असत था, चलन थी मालते। Oh darling, you're wasting time here. लॉलीपॉप, हम सब तुम्हारे इंतजार में तड़प रहे हैं। आज फुलमून नाइट है दोस्त, बीच पे जाने का प्रोग्राम है। वो रियली मून नाइट, हियर आई कम। छोटे कुंवर, ये चांदनी रात तुम्हें अंधेरों में ले जाकर खत्म कर देगी। अच्छा, किस सदा से रुकने को कहा है, हाय कुर्बान जाऊं। डार्लिंग उधर भी एक बला है ना, सूटी पाए फिर कभी सही। हाँ आज कोई दूसरा ग्राहक ढूंढ ले। We can manage to make them go.
छोटा सा जख्म था, डॉक्टर ने टाके लगा दिए हैं, दो चार घंटे आराम करना पड़ेगा। दर्द बहुत हो रहा है। ओह, अभी ठीक हो जाएगा डार्लिंग। कम ऑन रागिनी, सिर्फ मरम पट्टी में आधी रात बर्बाद कर दी। ओके ओके, जस्ट कमिंग। ओके बाय बाय डार्लिंग। मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। तुम्हारे पास नर्स रहेगी, दर्द ज्यादा बढ़ गया तो दवा दे देगी। नर्स दवा तो दे देगी मगर मशीन की तरह। इस वक्त तो ऐसा साथी चाहिए कि दर्द मुझे हो और टीस उसके दिल में उठे। देखो इस वक्त तुम जख्मी हो, हमारे साथ डांस नहीं कर सकते, हमें कंपनी नहीं दे सकते। यार इस वक्त तो हमारे किसी काम के नहीं हो किरण। करेक्ट, आराम से सो जाओ बेबी और हमारे मूनलाइट मूड को मत खराब करो। ओके, अगर गंगा होती तो मुझे छोड़कर कभी ना जाती। गंगा गंगा गंगा, जिस तरह कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती ना, उसी तरह तुम्हारे अंदर से मोहब्बत की कमजोरी नहीं जा सकती। तुम कभी मॉडर्न नहीं बन सकते हो। जाले बेहतर ये है कि गंगा और अपनी मोहब्बत की गोद में वापस चले जाओ। जी तो बहुत चाहता है मगर जिंदगी ने उसे मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। वो प्यार तो मैंने हमेशा के लिए खो दिया। तो फिर बाजार से जाकर और प्यार खरीद लो। हमें क्यों बोल करते हो यार। ओके बाय बेबी, सी यू। क्या है, क्या हुआ? मुझे शराब चाहिए। यहाँ शराब नहीं मिल सकती। मुफ्त नहीं मांगता मुझे, मैं खरीदना चाहता हूँ। ओफो, ये हॉस्पिटल है, ये शराब नहीं बिकती। ठीक है तो मैं फिर वहाँ जाऊँगा जहाँ हर चीज बिकती है, शराब मोहब्बत औरत। मुबारक हो मालती, मुबारक हो। क्या जाल फेंका है कि वो लौट कर वापस आ रहा है। कौन? तुम्हारा किरण। किरण? घायल जिस्म और टूटा हुआ दिल लेकर आ रहा है। मालती आगे बढ़कर मोहब्बत के दामन में उसको समेट लो, यही वक्त है। कहाँ है वो? छोटे कुंवर बस करो, अब मत पियो। क्यों ना पियो, क्यों ना पियो, मैं जरूर पियूंगा। छोटे कुंवर, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुख होता है? क्यों दुख होता है? तुम गंगा हो? नहीं। तो फिर कौन हो तुम, कौन हो?
जोर से चिल्लाए क्यों? तनिक कांटा चुभ गया। कांटा लग गया? मैं समझा किसे नाग ने काट लिया। यहाँ नाग कहाँ? यहाँ तो नागिन बैठी। हम कहते खिसक खिसक फूट। अरे किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं बड़े सरकार, भगवान के भजन गात रहे। देखो ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूटे, जितनी जल्दी हो यहाँ से फूट सके तो फूटे। अरे चमेली, छोटी कुआ की कोई चिट्ठी आई? हम कहते हैं शहर जाके कोई चिट्ठी लिखते पगली। मगर उन्होंने तो कहा था हम चिट्ठी जरूर लिखेंगे। अरे हम कहते ना कोई चिट्ठी नहीं आई, और जब कोई चिट्ठी आएगी तो हम तो का खबर देंगे। अब भाई जल्दी जा, नहीं तो सरकार तुहार हमार दोनों की मुंडी एक कर देंगे। हाय किरण डार्लिंग, हाउ आर यू? तुम्हारी बला से। क्या बात है, उस दिन नाराज हो गए? अरे नाराज किस बात पे होंगे, तुमने किनारा कशी कर ली, हमने किनारे तोड़ दिए। तो गया, कोई नया दोस्त मिल गया। क्यों नहीं क्यों नहीं, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। ब्रावो, एक बात कहूँ तुमसे? कहो। आज तुम मर्द बन गए हो। सुनकर जलन नहीं हुई? जलन किस बात की, इस मॉडल नहीं डाले। गंगा होती तो सांप से कटा देती। उफ, गंगा गंगा गंगा, गंगा तुम्हारे सिस्टम से निकलती ही नहीं। तुम्हारे दिल और दिमाग की ड्राई क्लीनिंग करानी पड़ेगी। खैर छोड़ो इन बातों को, अब ये बताओ तुम रहोगे कहाँ? सुना है हॉस्टल हड़ताल की वजह से खाली कराया जा रहा है, तो क्यों ना तुम मेरे फ्लैट में चले चलो। नो थैंक यू, मैंने जू पर एक कॉटेज किराए पर ले लिया। वेरी गुड, तो तफरी के लिए हम वहाँ आ जाया करेंगे। जॉली गुड फेलो, कम ऑन। गिरजा, हॉस्टल भी बंद हो रहा है और हड़ताल की वजह से तुम्हारे ट्यूशन भी नहीं रहे, तुम अपना गुजारा कैसे करोगी? मेरी बात मानो, कुछ दिनों के लिए तुम अपने गांव चली जाओ। गांव में भी गुजारा कैसे होगा, वहां भी तो पैसे चाहिए। मैं नौकरी की तलाश में हूँ और भैया भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे वो क्या करेगा, तुम नहीं जानती गलत रास्तों ने उसे कहां पहुंचा दिया है। मैं आज शाम भैया से मिलूंगी। शशि, मेरे भैया इतने बुरे नहीं है जितना लोगों ने उनको बदनाम कर दिया है। मैं बहुत दूर से भाग के आया हूँ, प्लीज मुझे इंजेक्शन दे दे, मेरी रकम का खून चल रहा है, प्लीज जल्दी। आज तुझे इंजेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं, तू सबको देता है फिर मुझे क्यों नहीं? सब मुझे कैश देते हैं, तेरी तरह उधार नहीं मांगते। प्लीज कुलजीत, मैं तेरे पैर पकड़ूं। कुलजीत
कुलजी, 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 नहीं, कुलजी, कुलजी, तू मेरा यार है। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तू मेरा यार है। तो कह दिया मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। दे दे इंजेक्शन दे दे यार, प्लीज, प्लीज। देख बिड़ू, बिजनेस में यारी नहीं चलती। आगे तेरे ऊपर इतना उधार हो चुका है कि बॉस ने और उधार देने पे मना कर रखा है। गंगा कसम मैं एक एक पाई चुकाऊंगा। रुपए कैसे चुकाओगे? मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, पर एक एक पैसा चुका दूंगा। सच्ची मेहनत करोगे? हाँ। मजदूरी करोगे? हाँ हाँ। जिस बदन को नशे की दीमक ने चाट लिया हो, वो बदन मेहनत क्या करेगा, मजदूरी क्या करेगा? तुम क्या समझते हो, मैं मेहनत नहीं कर सकता, मजदूरी नहीं कर सकता? अरे देखो, आज मैं मेहनत करके आया हूँ। ये देखो, मैं 4 रुपए कमा के लाया हूँ अपनी बहन गिरजा के लिए। उसके लिए मैं फाउंटेन पेन खरीदूंगा। इन 4 रुपयों से अपनी बहन की कितनी खुशियां पूरी करोगे? बीड़ू, अकल से काम ले। तेरी बहन बड़े बंगलों में रह सकती है, कारों में घूम सकती है, बीड़ू बैंक बैलेंस भी रख सकती है। सोच बीड़ू, सोच। मुझे सपने नहीं, इंजेक्शन चाहिए यार, इंजेक्शन। देख बीड़ू, अकल से काम ले और मेरी बात सुन। मेरे बॉस के पास तेरी बहन के लिए बहुत बढ़िया नौकरी है। मेरा बॉस तेरे लिए अंदर इंतजार कर रहा है। इंजेक्शन क्या उसे मिले? इंजेक्शन, इंजेक्शन भी अंदर मिलेगा। अंदर, अंदर। अच्छा अच्छा। ये बात तुम्हारी जुबान पर आई कैसे? गरीब इंसान बाजार में बिकने वाला खिलौना नहीं। इंसान नहीं बिकता, उसकी मजबूरी बिकती है। यहाँ हर शख्स कोई ना कोई चीज बेचने पर मजबूर है। क्या तुम समझते हो मैं अपने नशे के लिए बहन की इज्जत का सौदा कर सकता हूँ? आज की इज्जत रुपया है। दौलत को सब सलाम करते हैं, वो दौलत किस तरह आई वो कोई नहीं देखता। मेरा कहा मानो, दौलत भी मिलेगी और नशा भी। कमीने, मैं तेरा गला घोटूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अब इन हाथों में वो ताकत नहीं जो किसी का गला घोट सके। देखिए, इस वक्त तुम्हें गुस्से की नहीं, नशे की जरूरत है। टेलीफोन उठा। मैं ये नहीं कर सकता। तो ठीक है, दरवाजा सामने है, चले जाओ। मगर जाने से पहले इन गोलियों को आखिरी बार देखते जाओ, शायद दोबारा देखने को ना मिले। तुम्हारा फोन। हेलो भैया। हाँ हाँ, मैं गिरजा बोल रही हूँ। क्या? अच्छा भैया, तुम मुझे वहां मिलोगे ना? मैं अभी आती हूँ। देखो शशि, आखिर भैया ने मेरे लिए नौकरी तलाश कर ही ली, उन्होंने मुझे अभी वहां बुलाया है। गिरजा, मेरे ख्याल से इस वक्त तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। शशि, वहां मेरा भाई है, डर किस बात का है? बस अब तो दे दो ना, जान जाने के बाद दोगे क्या? प्लीज। इतनी भी जल्दी क्या है, पहले गिरजा को तो आ लेने दो। ये लो, आ गए। आइए आइए मिस गिरजा। विके, अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए। तुम्हारी बैंक की नौकरी लग जाएगी, तुम्हारे पास माल ही माल होगा। कमिंग 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 कमिंग। सिनाम सिनाम। सुना है कि आपके ट्यूशन छूट गए, आपको नौकरी की तलाश है? हमारे पास में आपके लायक एक बहुत अच्छी नौकरी है। तनख्वाह 1000 रुपया महीना होगी? 1000 रुपया? ऑफ कोर्स। लेकिन सर, मुझे काम क्या करना होगा? देखिए, हमारा बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है और हमारे ज्यादातर कस्टमर्स फॉरेनर्स हैं। आपका काम पब्लिक रिलेशन का होगा। वो जब यहाँ आए तो उनका ध्यान रखना, उनका दिल बहलाना, उनको तफरी कराना, वेरी सिंपल। मुझे इस काम का कोई अनुभव नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी को खुश रखने और लुभाने के लिए औरत को किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सर, मैं काम पर कब से आऊं? अभी से। यू आर ऑलरेडी ऑन द जॉब। मिस लोबो, प्लीज कम इन। और सुनिए,
आपके पोस्ट के लिए कपड़े बहुत सादे हैं। लेकिन सर इससे अच्छे कपड़े मेरे पास नहीं है। उसकी फिक्र आप मत कीजिए। मिस लोबो, इनको अपने ड्रेस डिपार्टमेंट में ले जाओ और इनके कपड़े चेंज कर दो। ओके सर। जाइए। वीके, सिट डाउन बीबी। अपना डोज नहीं लोगी? लो, एक से एक बढ़िया ड्रेस है, जो पसंद है पहन लो। मेरे सामने कपड़े उतारते हुए शर्म आएगी ना? ओके, गुड लक। अच्छा बाहर से दरवाजे बंद कर देती हूँ, घबराना नहीं, जब आवाज दोगी खोल दूंगे। का कोई भी लड़की हमारे हाथ में आकर बचता नहीं। हम भी कहां बचना चाहते थे, हम तो मश्करी कर रहे थे, देखना चाहते थे तुम में कितनी ताकत है। सच? हमको तुम्हारी तरह लड़की पसंद है जो वाइल्ड हो। हाँ, हमको भी तुम्हारे जैसे मर्द पसंद है जो जंगली हो। दरवाजा खोलने को बोल। खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो। बेटी फूल। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, खोलो। क्या ये सब? खामोश, जलील कुत्ते। इज्जत के कफन नोचने वाले जलील शैतान, क्या यही नर्क तेरी नौकरी है? हट जा मेरे सामने से। तैश में मत आओ, हम तो तुम्हारे किस्मत के दरवाजे खोलना चाहते थे, तुम्हें माला माल करना चाहते थे। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी दौलत पर, हट जाओ मेरे सामने से वरना गोली मार दूंगी। ठीक है ठीक है, मगर जाने से पहले अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें देखती जाओ। जब तक तुम यहां रहोगी ये तस्वीरें यहीं रहेंगी, वरना शहर के हर मन चले नौजवान के हाथों में ये तस्वीरें होंगी, गली कूचों में बिकेंगी। हम जानते हैं कोई भी शरीफ लड़की ये बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बदनामी के इस हथियार से तुम लोगों ने आज तक हजारों अनपढ़ लड़कियों को मात दी है। बेचारी मजबूर औरत सदियों से ये जुल्म सहती चली आ रही है, मगर आज की पढ़ी लिखी लड़की झूठी बदनामी के डर से अपनी सच्ची इज्जत नहीं बेच सकती। अब जमाना बदल चुका है, जाओ और शौक से इन तस्वीरों को शहर के सारे अखबारों में छपवा दो, चरवाहों पर लगवा दो, मगर याद रखना एक शरीफ लड़की की इज्जत
उसके कपड़ों के साथ नहीं उतर सकती। कौन सी इज्जत? वो इज्जत जो कि तुम्हारा भाई हमारे हाथों बेच चुका है। शराब। चिल्लाओ मत, वो देखो सामने पड़ा हुआ तुम्हारा भाई, नशे में चूर। आज जिस नशे के रस में वो डूबा हुआ है, वो उसने अपने बहन की इज्जत बेचकर हासिल किया है। ये झूठ है, ये झूठ है। ये सच है, ये सच है। आज तुम अपने भाई के नशे के खातिर बिक चुकी हो। भैया, भैया, भैया कह दो ये झूठ है। भैया, भैया, भैया होश में आओ। भैया कह दो ये झूठ है। भैया, हाँ, मैं गिरजा हूँ। भैया कह दो ये बेईमान झूठा है। वो बेचारा क्या बोलेगा? उसकी तो आत्मा नशे के कुएं में डूब चुकी है। भैया, ये सच है? बोलो भैया, क्या ये सच है? ये क्या किया भैया तुमने? ये क्या किया? इसके पास कोई बहन अपने भाई को कैसे लाके बांधेगी? गिरजा, मर गया गिरजा। मेरा नाम कभी नहीं लेना है। अगर तुम्हें जरा से भी गलत बाकी तो मुझे कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। जल्दी कर यार, जल्दी, नक्शन दे, मेरी जान निकल रही है। कितनी देर कर दी तूने? हॉस्टल छोड़कर तुमने मकान इतनी दूर ले लिया है कि तलाश करते करते जान निकल गई है। ए पीड़ू, मैंने तुमसे कहा था कि माल खत्म होने वाला है, नया माल ना जाने कब आए, इसलिए 20-25 हजार के इंजेक्शन खरीद लो। घर पे खत लिखा तो ना जाने पैसे क्यों नहीं आए। पीड़ू, ये तो मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, वरना बहुत मौजूद है ये माल खरीदने के लिए, समझे? सोच लो, टाटा। अरे ठाकुर के होते हुए कोई इंजेक्शन ले जाए तो गोली मार दूंगा। लगता है दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हो। अच्छा, मैं चलता हूं। टाटा। वो मेरा पत्थर का बुत था ना, वो टूट गया। जोर दो मुझे। क्या कर रहे हो? बिखरी हुई यादों में समेट रहा हूँ यार। नशे के बाद जाने क्यों सारी यादें जिंदा हो जाती हैं। बहुत अंधेरा है, बाएं से थोड़ी सी चांदनी ले आओ। तुम्हें रोशनी चाहिए। हाँ, और मैं कहता हूँ सब चिराग बुझा दो, ये चांद ये सितारे नोच डालो, ताकि इतना अंधेरा हो जाए दुनिया में कोई मेरा जलील चेहरा ना देख सके, ना देख सके, ना देख सके। अरे ये क्या कर दिया? मैंने वो आईना तोड़ दिया जिसमें एक ऐसे जलील आदमी की शक्ल दिखाई दे रही थी जिसने अपने नशे के खातिर अपनी बहन को बेच दिया। किसने अपनी बहन को बेच दिया? मैंने अपनी बहन को बेच दिया। उसकी दर्द भरी चीख, वो भैया भैया की आवाज अब तक मेरे कानों में पिघले हुए लोहे की तरह फूल रही है। अब नहीं आ जाता, अब नहीं आ जाता। किरण, अब ये चेहरा आईना देखने के काबिल नहीं, बल्कि कफन में छिपाने के काबिल है। नहीं किरण, ये जहर देखते हो, मेरे गुनाहों की सजा यही है। नहीं नहीं, नहीं। मेरा वक्त आ गया है, मैं दम तोड़ रहा हूं। देश के नौजवानों,
मेरी जिल्लत मेरी बर्बादी से सबक हासिल करो और वापस लौट जाओ। अब भी वक्त है, ये रास्ता छोड़ दो, नहीं तो एक दिन तुम भी नशे की खातिर मेरी तरह अपनी बहन को बेच दोगे। मुझे गाली देता है, मैं तेरा गला खोद दूंगा, खोद दूंगा। देखा, जिसने तुम्हें गाली दी तो उसके गर्दन भी ना दबा सके, जो तुम्हें ठोकर मारेगा कुत्ते की तरह उसके पांव चाटोगे। नशे में यही होता है, नशे में यही होता है, ना तुम अपनी इज्जत बचा सकोगे ना अपनी बहन की, और एक दिन मेरी तरह जलील 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 होकर मर जाओगे। ये क्या कर लिया तुमने? ठीक किया, पर मैं ना मरता तो दुनिया से इंसानियत मर जाती, फिर कभी कोई बहन अपने भाई पर विश्वास ना करती। एक काम करना, जब मेरी बहन आए तो मेरे चेहरे से कफन मत हटाना, मेरा मुंह से मत दिखाना। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम। शशिकांत, मैं तुम्हारे रास्ते पर आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मिलकर समाज की सेवा करना चाहता हूँ। ये सब तुमसे नहीं हो सकेगा यार, नशे के गुलाम बनने वाले मुल्क और कौम की खिदमत नहीं कर सकते। मुझे एक मौका दो, मैं नशे की जंजीर को तोड़कर आजाद होना चाहता हूँ, मेरी मदद करो दोस्त। शशि, किरण अगर सच्चे दिल से कोशिश करना चाहता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लोगों के बूट पॉलिश कर सकोगे? तुम जो कहोगे करने को तैयार हूँ। हम सब अकाल पीड़ितों की मदद के लिए बूट पॉलिश करके चंदा जमा करेंगे, तुम भी चलो। आइए आइए आइए, अकाल पीड़ितों की मदद के लिए आइए, आइए भाइयों आओ। अंधा हो गया क्या? माफ करना भाई। क्या हुआ किरण? पता नहीं यार, आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया था। खैर कोई बात नहीं, आइए आइए आइए, अकाल पीड़ितों की मदद के लिए आइए। शशि यार, इसको संभालो यार, उसे करो। या शशि रोको उसे। नहीं देशपांडे, कोई फायदा नहीं, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। मगर हम उसकी मदद तो कर सकते हैं। नहीं देशपांडे, अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो खुद अपनी मदद कर सकता है। मगर अब उसका होगा क्या? उसको नशा खा जाएगा। चलो, देश का एक और नौजवान गया। Ah!
चुप चुप। अगर चैन से इस दुनिया में तुम लोगों को रहना है तो अपना तो इस बारे में भैया बस इतना ही कहना है। एक दिन ख्वाब में मजनू को कहीं देखा था, क्या करूं हाल बयां उसके तने लागे था, सूकर इश्क में लैला के हुआ था कांटा, और रो रो के यही कहता था क्या छुरी के नीचे दम तो ले, तू तो हवा के घोड़े पे सवार है, ऐसा मत कर पंडित, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। जल्दी जल्दी चल, बैठो ठाकुर, इसे अपना तख्त समझ कर बैठो। पुजित, मैं यहाँ हूँ ठाकुर। घबरा गए हो? बॉस, क्या ये अंधा हो गया? अभी नहीं, मगर हो जाएगा धीरे धीरे। बोला, तू जल्दी से जाके ये तार दिया और देख किसी को भी पता न चले। नेम साहब, आप फिक्र मत करो, तार देने वाले ने अपना नाम तक नहीं लिखा, हम कैसे यकीन करें कि ये सच्चा है या झूठा? भगवान करे ये झूठ ही हो, लेकिन हमारे मन को तभी शांति मिलेगी जब हम अपने आंखों से छोटे गोर को राजी खुशी देखेंगे। हम आज ही बंबई जाएंगे। मंगल बाबा, मैंने गंगा को हर जगह तलाश किया पर वो कहीं नहीं मिली। भैया के बारे में उसे सब कुछ बता देना, गाड़ी का वक्त हो रहा है, मैं जा रही हूँ। घबरा मत बेटी, कृष्ण कुमारी छोटे कुमार का अवश्य कल्याण करेंगे। तुम समझते क्यों नहीं बाबा, ज्यादा तबीयत खराब है तभी ना तार आया है। बड़े ठाकुर माजी तभी तो बंबई गए हैं। हाँ मगर बेटिया, हम जाएंगे कैसे? और सोचो तो, काले कोसों समंदर बीच बंबई तक कैसे पहुंचेंगे, और फिर इतने बड़े नगर में छोटे कुमार का पता कैसे चलेगा? तुम पता की चिंता मत करो, महालक्ष्मी जी के कॉलेज का पता मेरे पास है। हाँ। मगर बिटिया रानी, देखो बाबा, अगर तुम नहीं जाओगे ना, हाँ, तो मैं अकेले चले जाऊंगी। क्यों मंगल बाबा? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? बस बस बस, मैं अंधा हो गया। उसको चिल्लाने की क्या बात है, ड्रग्स लेने से ऐसा होता है। बस तो फिर क्या होगा? कौन? मैं मालती। मालती, मालती मेरी माँ को खबर करते कि मैं अंधा हो गया हूँ। छी, इसमें अपनी माँ को क्यों परेशान करते हो? वो बेचारी को जब पता चलेगा कि नशे में तुमने अपनी आंखें खो डाली है तो उस पर क्या गुजरेगी? तो फिर मेरी गंगा को बुला दो बॉस, मेरे भैया को बुला दो। अरे तुम्हारे भैया को क्या खबर, तुम जैसे कई अंधों की आंखें हमने ठीक कराई हैं। इस वक्त तुम परेशान हो, अंधेपन का पहला दिन है ना, अभी तुम घबराए हुए हो, घर जाओ आराम करो, कल इत्मीनान से बात करेंगे। ले जाओ साहब।
मुझे कुछ दिखा नहीं देता। माँ अंधा हो गया, माँ अंधा हो गया, तेरा बेटा अंधा हो गया। माँ जो बुरे रास्ते पर चलेगा उसका यही हाल होगा। भैया तुझे यह पढ़ने के लिए भेजा था, चरस और गाजा पीने के लिए नहीं। ठाकुर खानदान के माथे का कलंक बनने से पहले तू मर जाता तो अच्छा था। भैया लो मेरा गला घोट दो, मार तो मुझे भैया मार तो, यही सलाह नीचे की तरह मेरी भी चिता जला दो भैया, जला दो तो। पगले जिसे इन हाथों से गोदों में खिलाया उसे मार डालू। तू घबरा मत, मैं तेरा इलाज कराऊंगा, परे से बड़ा डॉक्टर लाऊंगा, चाहे सारी जागी क्यों ना बिक जाए, मगर मगर मैं तुझे अच्छा करके रहूंगा किरण, मैं तुझे अच्छा करके रहूंगा। आज हमारा एक साथी अंधा हो गया, उस रात हमारे एक साथी ने खुदकुशी कर ली। दोस्तों ये सिलसिला वीके और किरण तक ही खत्म नहीं होगा, कुछ खुदगर्ज और गद्दार लोग विदेशी हाथों में खेलकर हमारे मुल्क की नई नस्ल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। आखिर हम कब तक चुप रहेंगे? हमें अपने साथियों का बचाने के लिए कानून और पुलिस की मदद लेकर नशे और गुनाह के उन अड्डों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। वो लंबे से है, गोरे से है, एक खूबसूरत से है। बाबा मैं किसी किरण कुमार को नहीं जानता, आजकल यहाँ स्ट्राइक चल रही है, कोई नहीं आता। वो कहाँ मिलेंगे? ये तो भगवान जाने, आजकल यहाँ कॉलेज हॉस्टल पोस्टल सब बंद है, कोई नहीं आता। ये सब कब खुलेगा? हा? ये तो भगवान जाने, जब विद्यार्थियों को अकल आएगी तब खुलेगा। आप सब बड़े बड़े डॉक्टर हैं, क्या आप सब मिलकर भी मेरे बेटे की आंखें ठीक नहीं कर सकते? माँ जी आपको सिर्फ आंखों की फिक्र है और हमें मरीज की जिंदगी की चिंता है। क्या कहते हैं आप? जी हाँ, नशे की ज्यादती से ये जो उसकी आंखों की रगें सूख गई हैं, जैसे ही वो नशा छोड़ेगा उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। अब जबरदस्ती काम नहीं आ सकती, और अगर जबरदस्ती की तो मरीज नशे के लिए बिलक बिलक की जान दे देगा। तो क्या अब कोई उम्मीद नहीं? नहीं, मुझे और डॉक्टर जोन्स को तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती, मगर हमारे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हुसैन की राय कुछ अलग है। डॉक्टर साहब आपके ख्याल में कुछ उम्मीद है? ठाकुर साहब इस बारे में मैं भी आपको कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं दिला सकता, क्योंकि नशे की आग ने मरीज के दिलो दिमाग से हर भावना हर मर्यादा अच्छे बुरे की हर तमीज को जला के राख कर दिया। फिर भी मायूसी के अंधेरे में मुझे एक छोटी सी किरण नजर आती है। आप कुछ कहिए तो, आप जो कहेंगे करने के लिए तैयार है, रुपए के लिए फिक्र ना कीजिए, मैं भाई के लिए सारी जागीर बेच दूंगा। ठाकुर साहब यहां रुपयों की कोई बात नहीं, मरीज के साइको एनालिसिस से पता चलता है कि मरीज के दिल और आत्मा की गहराइयों में बाकी सब कुछ तो जल गया है, मगर एक नाम है जो अभी तक दिल के जले हुए खंडरों में बार बार गूंजता रहता है, और वो नाम है गंगा। गंगा, शायद गंगा नाम की किसी लड़की से मरीज को बहुत ज्यादा प्यार है। ये सही है, जब वो आया था तब वो गंगा का ही जिक्र करता रहता था। ऐसा लगता है मरीज अपनी कुछ गलतियों की वजह से अपने आप को गंगा का अपराधी मानता है, और इसी गिल्ट कॉन्शियस की वजह से वो नशे की दलदल में और धंसता जा रहा है। आई फील इस वक्त अगर गंगा उसकी गलतियों को माफ करते और फिर उसे अपनी मोहब्बत के आंचल में ले ले तो वो तबाही के रास्ते से शायद वापस आ जाए। आप उस लड़की को जानती हैं? गंगा? गंगा तो हमारे ही गांव की लड़की है। तो फिर आप उसे बुलवा लीजिए ना। उसे फौरन बुलवाइए। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो रास्ते के भिकारन एक नीच जात की सपेरन ठाकुर खानदान की बहू नहीं बन सकती, हमें यह मंजूर नहीं। मुझे मंजूर है डॉक्टर। माँ मैं अपने लाल को मौत की गोद में डालने के बदले गंगा की झोली में डाल दूंगी। जी आप क्या कर रही हैं? बेटे तुम बड़े ठाकुर हो, ऊंची जात है तुम्हारी, लेकिन ममता की कोई जात नहीं होती। डॉक्टर साहब मैं अभी मुनीम जी को फोन करती हूँ कि वो गंगा को यहाँ भेज दे। देखा, मैं कहता था ना कि इतने बड़े शहर में हम छोटे कुमरों कहाँ ढूंढेंगे। दो दिन से बेचारे गणेश को दूध भी नहीं मिला, अब तो शायद पेट भरने के लिए हमें भी भीख मांगनी पड़ेगी।
गंगा अगर तुम्हें कहेगी तो तुम नशा छोड़ दोगे, ऐसा हो सकता है भैया? मालूम नहीं, न जाने वो इस शहर में तुम्हें ढूंढते हुए कहां कहां भटक रही होगी। वो नहीं मिली ये अच्छा ही हुआ राधा, मैंने उसके विश्वास को धोखा दिया है। मैं उससे अपना ये मुंह नहीं दिखा सकता, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। अरे वो तेरी ये हालत देखेगी तो उसका कलेजा फट जाएगा, मेरी खातिर नहीं पर उस बेचारी की खातिर तो अपने आप पर कुछ काबू कर ले बेटा। भैया तुम्हें माँ के दुख का कुछ भी एहसास नहीं है? राधा बहुत है। अच्छा माँ, मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज के बाद कभी नशा नहीं करूंगा माँ, कभी नहीं करूंगा। बेटा वो पिक्चर देखी है? छोटे कुमार,
छोटे कुंवर थे। छोटे कुंवर? मेरी गंगा बिटिया को माफ कर दो मेहन साहब जी, ये तो पगली है। चलो बिटिया। गंगा? तुम गंगा हो? छोटे ठाकुर वाली? हाँ मैं ही वो हूँ। आप छोटे कुंवर को जानती हैं? हाँ जानते हैं। देखो मेम साहब, मैं उसी को ढूंढने इतने बड़े शहर में आई हूँ, मुझे उनसे मिलवा दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मिलवा दो। मिलवा देंगे, चलो हमारे साथ। कहाँ? जहाँ हम जाएंगे वो भी वहाँ आएगा। चलो चलो पापा। हाँ चलो। छोटे कुंवर कब आएंगे? अरे वो आता ही होगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। वो यहाँ आए बिना रह ही नहीं सकता। मगर मेम साहब, इस भूत खाने में वो क्यों आते हैं? हाँ दवा लेने। दवा लेने? बाबा उतार सच्चा था। मंगल बाबा का कमच कहाँ है? बस ये कमच उनको बांध देंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। हाँ फिर दवा की कोई जरूरत नहीं रहेगी। हाँ हाँ इनोसेंट। Oh my darling, let's have a dance. Okay baby, तुम यहीं ठहरो। Come come. कैसा अस्पताल है गंगा बिटिया? ये पागलों का अस्पताल मालूम हो गया है। पागलों का? ओ? तो अब मैंने कहा था बसे, ओफो, किस कदर फिट जवानी है माशाल्लाह। अच्छा लड़ते हो मगर हाथ में तलवार भी नहीं। ये शराब खाना हमारे लिए आया है। किस कॉलेज से ये पैमाने लाई हो? आओ मेरी जान। वो के पैरों में लंगूर क्या हंगामा है? चलो। ए लड़के, अपने साहब को काबू में करो। ए साहब, मेरा साहब मेरे काबू में है, तुम अपने आदमी को काबू में रखो। मालूम मेरे बाप पे हाथ उठाया? हाँ ठीक है ठीक है, अब कोई तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। तो ठीक है, अब मेरे गणेश भैया भी किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हाँ तुम ठाकुर किरण से मिलने आई हो? जी साहब बहादुर, सुना है वो यहाँ आने वाले हैं। यहाँ आएंगे ना? जरूर, लेकिन यहाँ नहीं, मेरी ऑफिस में। ऑफिस? हाँ हाँ, चलो मेरे साथ चलो, वहाँ आराम से उनका इंतजार करना। अच्छा चलो गणेश भैया। बाबा चलो 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 गणेश भैया, ऐसे आ जाओ। चलो आओ यहाँ पे बैठ जाओ तुम लोग। साहब जी छोटे कुंवर यहीं आएंगे ना? हाँ? नहीं मगर जब आएंगे मैं तुम्हें बुला लूंगा, तुम लोग बैठ जाओ। अच्छा अरे अरे नीचे क्यों बैठे, ऊपर बैठो ना। नहीं साहब जी हम यहाँ ठीक हैं। ये साहब यूं ही रहेगा? डरो मत साहब जी, ये मेरा भैया है, ये मेरे साथ ऐसे ही खेलता है। अच्छा। बैठ जाए इस पे, मैं तुम्हें बुला लूंगा। अच्छा देखो जैसे वो साला सांप पिटारी में बंद हो जाए। ओके सर, आज एक ऐसी ब्लू फिल्म बनने वाली है जो आपके यूरोप वालों ने कभी नहीं देखी होगी। व्हाट्स दैट? रेप ऑफ अ स्नेक चामा, एक सपेरन का रेप। सपेरन? कौन है वो? गंगा। गंगा, नाम तो बहुत अच्छा है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी। हाँ हाँ हाँ, वो हमारे एक बहुत बड़ा कस्टमर है ठाकुर किरण सिंह, जो अंधा हो गया है। बहुत मालदार आसामी है। यस सर, वो इससे शादी करना चाहता है। ओह नो। खाना खा लो। छोटे कुंवर आ गए? बस आते ही होंगे। वो आले तभी खाएंगे। हाँ अरे अरे, पर इस शाम को तो पटारी में बंद करो। देखो भाई ये गणेश भैया है, अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं। हाँ
तुझे छोटे कुंवर का नया बंगला मालूम है? जी नहीं मैम साहब। आज ही किसी को छोटे कुंवर की जरूरत है और आज ही वो नहीं आए। समझ ले कि तेरा ये बेटा मर गया। नहीं। हाँ माँ, जो बेटा तेरी कसम तोड़कर फिर उस नरक में जाना चाहता वो तेरा बेटा कहलाने का हकदार नहीं है माँ। बेटा, तू माँ की कसम तोड़ सकता है, माँ का नाता तो नहीं तोड़ सकता। माँ मुझे माफ कर दे, माँ मुझे माफ कर दे। बेटा, मैं नहीं जाना चाहता। मैं क्या करूं? नशा टूटता तो मेरे रगों से जान निकलने लगती है माँ। मैं इंजेक्शन के बगैर नहीं रह सकता माँ, मैं अब इंजेक्शन के बगैर नहीं रह सकता। बेटा, बेटा कोई बात नहीं, तो इंजेक्शन ले ले। हाँ हाँ, तो इंजेक्शन ले ले, मगर इस हालत में तू अकेले कैसे जाएगा? चल चल, मैं तुझे साथ ले चलती हूँ। हाँ बेटा चल, उठ उठो, चल बेटा चल। नीनारी गणेश भैया, तुम भी सो जाओ, मैं तो अभी जाऊंगी। चल सो जाओ, सो जाओ। आगे तुम्हारे छोटे कुमार। हाँ हाँ, अंदर है बाबा। छोटे कुंवर आ गए। कहाँ है छोटे कुंवर? अंदर है, चले जाओ। छोटे कुंवर, दरवाजा खोलो। क्या है बाबा, क्यों शोर मचा रखा है? मुझे अंदर जाने दो। छोटे कुंवर कहाँ है? छोटे कुंवर भी मिल जाएंगे, पहले बड़े कुंवर से तो मिला मेरी जान। अरे अरे पीछे, जबरे मेरे पीछे चिल्ला रही है। और ही खामोश हो जाएगी, तुम बैठो। अरे बच्चे, कमलाल, शैतान के बच्चों। मैं जानता था ठाकुर, जमीन की गर्दिश रुक सकती है लेकिन नशे का मारा नहीं रुक सकता। गणेश बेटा, गणेश बेटा उठ, जा जा, तेरी बहन की इज्जत खतरे में है। आज अपनी राखी की लाज बचा ले। जा
शाबाश। इंस्पेक्टर, तुम अपने आदमियों को पीछे हटने के लिए बोलो, बोलो, सब लोग पीछे हट जाओ, चलो जल्दी करो। इंस्पेक्टर,
हट जाओ रास्ते से, वरना ये लड़की जिंदा नहीं रहेगी। हट जाओ। खबरदार जो किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की। ठहरो, पीछे हटो।
दोनों कैसे हैं? चिंता की कोई बात नहीं, दोनों बच गए। बहुत ज्यादा चोट आई है ना? चोट तो आई है लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम उन्हें देख सकते हैं? हाँ हाँ जरूर देख सकते हैं, लेकिन पेशेंट कमरे में आ जाए इसके बाद। क्या हो गया है? ये ज्यादा नशे और ड्रग्स का असर है। ज्यादा नशीली दवाइयां लेने की वजह से ये लड़की पागल हो गई है। अब इसे पागलखाने भेजा जा रहा है। डॉक्टर जी, आपको भगवान की सौगंध, सच सच बताइए वो ठीक है ना? हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर जी एक बार मुझे दिखा दीजिए, एक बार। अच्छा दिखा दो। नर्स दिखा दो इन्हें। छोटे कुंवर, गंगा, गंगा तुम ठीक तो हो ना? छोटे कुंवर तुम्हें तो बहुत चोट आई है। मुझे नाव चलाना नहीं आती थी ना, इसीलिए तुम्हें इतनी चोट लगी। मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हारे प्यार के साथ विश्वासघात किया है। अब बहुत बुरा आदमी हो गया हूँ, बहुत बुरा। तुम तो मेरे देवता हो छोटे कुंवर। अब मत चले जाना, अब मुझे छोड़ कर मत जाना, नहीं तो मुझे रास्ता कौन दिखाएगा? देखो अब तो मेरी आंखों की रोशनी भी नहीं रही। ये हाथ मत छोड़ना बहू रानी, किरण को तुम्हारी बहुत जरूरत है। भैया नहीं नहीं लेते रहो। बड़े ठाकुर साहब, बड़े ठाकुर साहब, आपने तो धरती की मट्टी को आसमान पर बिठा दिया है। मेरी गंगा तो आपके घर की दासी होने के लायक भी नहीं है। नहीं भगीरथ, ये तो आप घर की मालकिन है। ठाकुर घराना हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा बहू। ठाकुर साहब ठीक कहते हैं, इस नशे के कुएं में जो एक बार गिर जाता है वो बाहर नहीं निकल सकता। और बेटी किरण को इस कुएं से निकलने के लिए तुम्हारे प्यार का सहारा चाहिए। मगर डॉक्टर जी इनकी आंखें। अरे इनकी आंखें तो एक महीने में ठीक हो जाएंगी, पहले इससे वादा ले लो, अब नशे को हाथ नहीं लगाएगा। छोटे कुंवर मैं वादा करता हूँ, गंगा मैं तुम्हें छू के वादा करता हूँ।